नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एन जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 69-70 डिक्टेशन नंबर प्रश्न पत्र 1994 की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 5 मिनट तथा गति 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण दिया था, उस समय मैंने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना था। उसके बाद मैंने उनके अभिभाषण को ध्यान से पढ़ा है और उस पर मनन भी किया है। राष्ट्रपति जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि उस अभिभाषण में वर्तमान भारत की स्थिति और उसके पूरे विकास का ऐसा सुंदर चित्रण किया है और इस ढंग से किया है कि ऐसी चीज विशेष जानकारी की नहीं रह जाती है जिस पर कि आलोचना करने की गुंजाइश हो। मैं यह जानता हूँ कि बहुत सी बातें विरोधी सदस्यों ने कही है जिनका वे इस सदन में विवरण देंगे और उन पर विवाद करेंगे, लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए और वह यह है कि जिस समय से हम गुजर रहे हैं वह एक निर्माण का समय है। हमारा देश एक ऐसे युग में से होकर गुजर रहा है जबकि आर्थिक संकट है। देश के अंदर तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है और ऐसे समय में हमारा जो ध्यान है वह विकास की ओर होना चाहिए, समस्याओं को सुलझाने की ओर होना चाहिए, न कि विरोध की ओर होना चाहिए। इससे देश का ध्यान बट जाता है। निर्माण के इस समय में निर्माण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देने से यह लाभ होगा कि हर एक का ध्यान उस ओर चला जाएगा। इसके अतिरिक्त समस्याओं पर आप ध्यान दें। किसी गंभीर परिस्थिति के बारे में यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर उस अवसर को बिगाड़ देते हैं तो उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रपति जी देश के एक उच्च अधिकारी है। उन्होंने जो अभिभाषण दिया है उसमें बड़ी बड़ी बातों का ही जिक्र किया है। सभी बातों पर प्रकाश डालना उनके लिए संभव नहीं हो सका है। इसका एक कारण यह भी है कि बजट आदि प्रस्तुत होने वाला है और माननीय सदस्यों को बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जिनको पाकर कि वे सब बातों पर अपना विरोध प्रकट कर सके। इसलिए मेरा
माननीय सदस्यों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वे इस अभिभाषण पर केवल निर्माण की दृष्टि से ही गौर करें और उसके ऊपर अधिक विरोध न करें। आशा है कि ऐसा करने से सबका हित हो सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।